अलग से चार चार पांच दिन चाहिए तैयार होने के लिए इन लोगों को, है ना। देख लो ना, एक तो ये वाला नेकलेस आपके चक्कर में रुकी हुई है। अच्छा, मेरे चक्कर में क्यों रुके हो? ये वाला भी गजब लग रहा है मुझे खुद से ही ना, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के हुए सिर्फ 6:15 में उठ के आ गई हूँ बाहर नहा के रेडी होके। आज ना ग्रीन कलर पहनना था, वैसे डार्क ग्रीन पहनना था पर डार्क ग्रीन में मेरे पास सूट नहीं था, शायद मैंने इधर उधर दे दिया किसी को, तो मेरे पास लाइट ग्रीन था तो मैंने ये डाल लिया है। बहुत ही सही कम्फर्टेबल है। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैंने लास्ट नवरात्रि डाला था, लास्ट जब जिस दिन अष्टमी थी, और 6 महीने में ये डिफरेंस आया है देख लो। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टाइट था। ये जो कुर्ता सेट है इस पर चुन्नी नहीं है, ये देखो। तो अभी करते हैं, आ गए हैं मंदिर में, अभी करते हैं पूजा। जिन लोगों का फास्ट नहीं है वो भी मेरे साथ कर लो पूजा, आ जाओ और जल्दी इसलिए उठे क्योंकि रात को आप लोगों को पता है मेरी तबीयत कैसी थी, बहुत ज़्यादा। और पूरी रात भी ना हम ऐसे ही सोए हैं, जैसे 2 घंटा मित्तू सोए, 2 घंटे मैं सोई, 2 घंटे मित्तू सोई, क्योंकि वो उठ रहा था और मैंने डर के मारे ना दूध नहीं पिलाया, कहीं उल्टी और वॉमिट करे। थोड़ा सा पिलाया, मतलब ये लगा लो 30-40 ml बस। सारी जगह जोत लगा दी, सारी जगह मतलब बाहर भी वहां भी। और अब जो है यहाँ बनेगी कढ़ी, कढ़ी खाए कई दिन हो गए, मैं तो नहीं खाऊंगी, मतलब मम्मी अपने लिए बना रही क्योंकि आज हमारे घर पे आएंगी पूजा, तो कुछ उसको हमारे हाथ के मतलब घर की कढ़ी अच्छी लगती है, इसलिए कढ़ी बन रही है। मम्मी कढ़ी बना देंगी, मैं बना दूंगी रोटी। जोत वगैरह लगा दिए, बस एमए का उठने का वेट है। और टच वुड माता रानी आज वो ठीक रहे, कल उसकी बहुत हालत, कल उसने ना इतनी उल्टी करी पूरी, तो दीवार पे यहाँ तक पूरा, ये यहाँ यहाँ पे हर जगह बहुत स्मेली स्मेल हो गई थी उल्टी की। टाइम हुआ है 7:15 और सारा निपटा दिया मैंने, किचन विचन सब बिल्कुल क्लीन कर दी है, सारे बर्तन कर दिए, मतलब बर्तन को साफ करके ड्रॉर में भी लगा दिया पोंछ के पूरा। तो गाइस आप लोगों को पता है आजकल ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी मॉरल लाइफ का भी ना ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अगैरो कंपनी का पोर्टेबल ओरल इरीगेटर। ये देखिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें मिलता है हमें 200 ml का वाटर टैंक, यहाँ से इस तरीके से देखो, अब इसको ओपन कर सकते। तो यहाँ पे जो है इसके मैनुअल ऑप्शन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। उसके नीचे आपको जो भी ये सेटिंग दी हुई है, जितने भी ऑप्शन है, यहाँ से आप उसकी सेटिंग इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ये देखिए जहाँ पे भी ब्लू लाइट जल रही है, जहाँ पे आपको जो सेट करना है उस तरीके से आप ये सेट कर सकते। तो ये 2 नोजल आती है इसके साथ, आप इस ये जो यहाँ पे बटन मिलेगा इसको प्रेस करके आप इस तरीके से इसको अंदर सेट कर सकते हो। और ये देखिए आप इसको चार्ज भी लगा सकते हो, चार्ज पिन आपको साथ में ही मिलेगा और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। तो इसमें जब हम इसको ऑन कर देते हैं ना तो इसमें प्रेशर उतना ही आएगा जितना हमारे गम अंदर उसको सहन कर सकते हैं। और मैं बता देती हूँ इसकी बैटरी लाइफ के बारे में, सिर्फ 4 घंटे चार्ज लगाने के बाद आप इसको 15 दिन तक यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ये देखिए मैंने ना इसमें ना पानी फिल कर लिया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और अब मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। गाइज मेरे को तो बहुत ज़्यादा यूजेबल लगा है ये प्रोडक्ट और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिजल्ट आप लाइक देख सकते। और यह बढ़ गई है कड़ी, मम्मा लेके तो आ गई है बाहर और फ्रेश भी हो गए हम, पर लूज मोशन अभी भी है, फिर से दवाई लेनी पड़ेगी थोड़ा सा खाना खा के। रात को तो दोबारा नहीं हुई थी पर अब फिर से है इसको, तो अब एक बार खाना खिला के इसको दोबारा से दवाई दूंगी। अब इसको दवाई दे दी है और 5 ml दवाई, यानी कि 5 ड्रॉप पर इतना मुश्किल हो जाता है बच्चे को दवाई देना कि कहीं उल्टी ना कर दे, है ना अम्मू।
माता माता के भजन सुन रहे हैं। ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। My tears like rain run down the window, I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain. स्लैब साफ करनी रह गई, इधर हो रही है थोड़ी सी क्लीनिंग, फिर बर्तन रह गए। पूरे 9 बजे है और 9 बजे तक हमारा सारा काम निपट गया। झाड़ू पोछे वाली मतलब मेड जो है वो भी कर गई, रोटी सब्जी डस्टिंग सब कुछ। सिर्फ एम्मू को दवाई दे दी थी, उसके बाद अब इसको दूसरी दवाई देनी है, उसके थोड़ी देर बाद नहला के इसको सुला देंगे। ओके बिट्टू, ओके। उतार रहे हो मेरी बिंदी, आपको कहीं लगानी है क्या? उतार ली अब क्या है? अरे लग गई तेरे भाई, मेरे पास नहीं है, मेरे सारे टिक्का उतार दिया, देख लो इसके काम। और खुश हो रहा, खुशी देखो। एमी बेटा भी आ गया है, सो के उठ के। हाँ, ओ ओ बोले बहुत बहुत वो वाला है। तो गाइज मेरी भाईली आ गई है, ठीक है, ये मेरी पुरानी भाईली है, ये आ चुकी है और फिलहाल ये चाय बिस्किट ले रही है और ये डाइटिंग वाले बिस्किट है। मैम आपका वेट नहीं बढ़ने वाला, टेंशन मत लेना। और यहाँ पे हम लोग पूरा ताम झाम खिंडा के बैठे हैं, की करने वाले हैं वो पता चल जाएगा। तो जिम से आ गया था, जिम से आने के बाद में एमी को तो मम्मी नीचे लेके गई है और मैं ले रहा हूँ अपना खाना, राइस और कढ़ी, बहुत सिंपल सा और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे को डाल के खाना था तो सलाद वगैरह तो हम काट नहीं सकते, तो इसलिए इसी को। तो गाइस ये आज दिन में क्योंकि मुझे जाना है बाहर, देख सकते हैं मेरा मेकअप भी हो चुका है, थोड़ा बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये सामकियाँ बन के रेडी है और यहाँ पे है ये स्वीट रायता, ये रहा, तो मैं खा के जाऊँगी क्योंकि पता नहीं 12 में कितना टाइम लग जाए, क्या लग जाए, इसीलिए कल तो मैंने सिर्फ रायता लिया था खीरे का। तो आज मम्मी चली गई सत्संग में और मैंने थोड़ा मेकअप करवाया था, उसके बाद मैं अपना खाना खाने लगी। अब एमी का सारा दूध वगैरह तैयार करके उसके पापा उसने गए सुलाते ही सुलाऊँगे, वो सुला देंगे, फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी दूध पिलाने की। इस करके ना मैं पूरी तैयार ना हो गई, पूजा हो गई तैयार। तो अब पूजा ने ना मेरा भी शुरू कर दिया है मेकअप, अभी कर्लिंग हो रही है बालों की, दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। अलग से चार पांच दिन चाहिए तैयार होने के लिए इन लोगों को, है ना? एक तो ये वाला नेकलेस आपके चक्कर में रुकी हुई है। अच्छा, मेरे चक्कर में क्यों रुके हो? मुझे ये वाला भी और एक ये वाला नेकलेस है। कौन सा पहनना चाहिए? पहले वाला है? पहले वाला मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस कैसा लग रहा है मेरा मेकअप बता दो। हाय राम, गजब लग रहा है मुझे खुद से ही ना, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसीलिए तो कहते हैं पूजा बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो जितने भी मेरी बहनें हैं ना जिनके भी शादियां हैं, ठीक है ना, जिनको अपना ब्राइडल करवाना है, तो मैं नंबर डाल दूंगी नीचे, ठीक है, कमेंट में डाल दूंगी नंबर, तो सारे जने इंक्वायरी कर लियो, चार्जेस पता कर लियो। ऑसम, इस तरह बेस्ट मैंने नहीं लगता कोई मेकअप कर सके है, बाकी खुद ही देख लो। और यू पता है इसने मेरा कितने बजे तक रखा है? 12 बजे से अभी 4 बजे, 4 घंटे तो मेकअप हुए को होंगे, जबकि मैंने किचन में भी काम कर लिया, एमी का खाना वाना बनाया, बर्तन वर्तन करे सब कुछ, और फिर भी मेरा मेकअप ऐसा है। और फुल लुक में दिखाती हूँ अभी,
पाँच मिनट रुको दिखाती हूँ फुल। तो गाइस ये देखिए तैयार हो चुकी हूँ और मुझे भी फूल तैयार हो चुकी है। कैसे लग रहे हैं मुझे कलेक्ट करके बताओ जल्दी जल्दी। ये गाना पूजा ब्यूटी लॉन्स